हम क्या चाहते हैं? फांसी। हम क्या चाहते हैं? फांसी। हम यहाँ घुट घुट के मरना नहीं चाहते, हमें वापस भेजा जाए। जिनका घर बस रहा है ठीक है, वो अपना घर बसाए, लेकिन ये कि उनको लीगली हम वैसे भी मानते हैं है तो हम पे एक रहम किया जाए, हमें वापस भेज दिया जाए, हम यहाँ नहीं रहना चाहते। ये मुल्क आपका, आपको मुबारक, हमें नहीं चाहिए ऐसे। ये जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़िया मोहम्मद सईद है, मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट बारामूला में रह रही हूँ और बेसिकली मैं जो हूँ वो पाकिस्तान की हूँ, पाकिस्तान मुजफ़राबाद शहर से मेरा ताल्लुक़ है। तो यहाँ कश्मीर से जो लड़के पाकिस्तान गए थे, मतलब मिलिटेंसी के इल्ज़ाम से बचने के लिए, उसमें वो लोग वहाँ चले गए थे, यहाँ उनको प्रॉब्लम्स थी, ये लोग वहाँ चले गए थे। तो फिर हमने वहाँ, मतलब मेरी शादी हुई वहाँ पर, फिर शादी के चंद सालों बाद हम लोग कश्मीर आ गए, हिंदुस्तान आ गए। तो लेकिन यहाँ पर हमें तकरीबन 12 साल हो चुके हैं, इन 12 सालों में हमने अपने जो सफरी दस्तावेज़ात हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन हमें वो फराहम नहीं किए गए। अब हम जितनी भी ख्वातीन हैं यहाँ पर, पाकिस्तानी ख्वातीन इकट्ठा हुई हैं, वो सिर्फ़ इसी मकसद के लिए हुई हैं कि हम अपील करना चाहती हैं इंडियन गवर्नमेंट से, ताकि वो हमारे जो सफरी दस्तावेज़ात हैं वो हमें मुहैया किए जा सकें। और ये जो मसला है, इसको एक सियासी मसला नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये एक इंसानी मसला है, और इस मसले को इंसानी जो है, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हल करना चाहिए। इसी तरह यहाँ की जो मोहतरमा वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज साहिबा हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़ कर ये अपील करती हूँ, हमदर्दी की अपील करती हूँ कि वो हमारे हक़ में फ़ैसला दें। वो एक ख़ुद खातून है और वो ख़ुद मायके का जो दर्द है वो जानती हैं और बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, और हमें भी मायके से दूरी है। तकरीबन कोई किसी को 15 साल हो चुके हैं, किसी को 20 साल, किसी को 12 साल, किसी को 10 साल, इतने सालों में हम, ये एक बहुत तवील मुद्दत है, इस तवील मुद्दत में हम कभी नहीं जा सकें, ये हमारे लिए बहुत तकलीफ़दह बात है, इससे हम बहुत इसराब में शिकार हैं। इसीलिए हम इनसे ये गुजारिश करते हैं, हमारी इनसे ये हमदर्दाना अपील है कि ये हमारे हक़ में हमारे लिए जो हैं सफरी दस्तावेज़ात हमें फराहम करें, ताकि हम अपने मायके वालों से मिल सकें, अपने वतन आ जा सकें। और बस हमारी इतनी ही इनसे ये अपील है। हम लोग यहाँ पर 350 ख्वातीन हैं जी, जिनमें से चंद ख्वातीन जो हैं जिनकी डेथ हो चुकी है इसी परेशानी की वजह से, चंद ख्वातीन ने सुसाइड किया है, चंद ख्वातीन जो हैं जिनकी डिवोर्स हो चुकी है, चंद के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, अब वो यहाँ सब दरबदर है। अब जिन ख्वातीन के हस्बैंड, उन्होंने उनको तलाक दे दी, और जो ख्वातीन जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, अब वो यहाँ ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अगर उनका मायका नज़दीक होता, उनके पास सफरी दस्तावेज़ात होते, तो वो पाकिस्तान आ जा सकती थी, अपने मायके जा सकती थी, वहाँ पर उनका कोई पुरसाने हाल होता, वहाँ पर उनको कोई दिलासा देने वाला होता, लेकिन जब उनके पास सफरी डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं हैं तो वो कैसे जा सकती हैं। अब वो यहाँ पर परेशान हैं, दरबदर हैं, वो बच्चे यतीम और वो माएँ जो हैं इस वक्त परेशान हैं, वो जाएँ तो जाएँ कहाँ, जाएँ किसके सहारे, यहाँ रहें, उनकी कफालत कौन करेगा। तो इसीलिए हमारी ये गुजारिश है, जितनी भी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, मैं उन सब से हमदर्दाना अपील करती हूँ
और मैं इंडियन गवर्नमेंट से हमदर्दाना अपील करती हूँ कि वो हमारे हक़ में ये फ़ैसला दें और प्लीज़ हमें सफरी दस्तावेज़ात मुहैया करें ताकि हम अपने वतन जा सकें, आ जा सकें, हमारा आना जाना रहे। और शुक्रिया।